तो हमने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। पहला था डेफिनेशन, होल नंबर मींस ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो टुगेदर विद जीरो। प्रीडेसेसर और सक्सेसर का मीनिंग बताया था कि प्रीडेसेसर मतलब नंबर का पहले वाला होल नंबर, उसके पहले आने वाला, इमीजिएट लेफ्ट में, और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं हम सक्सेसर। देन वी डिस्कस्ड हाउ टू यूज नंबर लाइन फॉर एडिंग द नंबर, सब्ट्रैक्टिंग द नंबर एंड मल्टीप्लाइंग द नंबर, ये हमने कल डिस्कस किया था। देखो एडिशन करते वक्त समझो मुझे पूछा गया 5 + 3, तो सीधा 5 पे चले जाओ और ऐड कर रहे, इसीलिए राइट हैंड साइड में मूव करो। एंड हाउ मेनी जंप्स? 3 जंप्स, 1, 2, 3। So answer is 8. Like that you can get the answer very easily. Similarly for subtraction you have to jump towards left. And when you multiply you have to see in dono number ka multiplication hai. So yaha 2 unit ke jump hume marne hai. Aur how many jumps? 5 jumps. So direct 2 pahla jump. Direct uske baad aur 2 unit jump. 4. Aur 2 unit jump. ये 1 unit मतलब 0-1 के बीच में, 1-2 के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1 unit। ओके, सो दैट इज हाउ वी सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मेरे को भी कहा था ना सर, मैंने लिख दिया। यस यस, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया यहाँ तक जितना भी पढ़ाया? यस सर। बाकी के स्टूडेंट्स? यस सर। बोलो बोलो। यस सर। ओके ठीक है, अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए मैं एक स्लाइड शो दिखाता हूँ विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नाइसली। See, right now we are discussing whole numbers. So whole numbers में हमारा अगला title है, the next title is addition. Properties of addition, subtraction, multiplication and division of the whole numbers. So I hope you know already how to add, how to subtract and how to multiply and how to divide the whole numbers. So now we are going to discuss properties of addition, then subtraction and then multiplication and finally division. इन चारों के हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अभी। सो दे आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड शो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं हर बार याद करने के लिए ऐसा बोलता हूँ, याद रखो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मतलब क्या है देखो, समझो अगर मैंने यहाँ पे 2 होल नंबर का एडिशन लिया, से 2 + 3 एंड इज इक्वल टू 5। तो अभी आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स है और राइट हैंड साइड में RHS में राइट हैंड साइड में भी ये 5 होल नंबर ही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, ये इनपुट और ये आउटपुट भी होल नंबर ही मिल रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2 होल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें से कोई भी ऑपरेशन किया, समझो मैंने एडिशन किया तो ये दोनों होल नंबर्स हैं,
सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड जो मिलता है वो भी अगर होल नंबर है सो देन वी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय द एडिशन. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि होल नंबर के केस में यहाँ पे फॉर होल नंबर्स एडिशन के केस में क्या होता है, देखो ऑब्जर्व करो. यहाँ पे 3 + 5, ये 3 और 5 दोनों होल नंबर्स है और दोनों को ऐड किया तो एडिशन का आउटपुट भी होल नंबर ही है. तो यहाँ आउटपुट होल नंबर ही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. हाँ, वी आर डिस्कसिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स. तो एडिशन में हमेशा याद रखो कि दो होल नंबर का एडिशन हमेशा होल नंबर ही आता है. ठीक है, लेकिन अगर हमने सब्ट्रैक्शन लिया तो 3 - 5 वो आता है -2. -2 इज एक्चुअली नॉट अ होल नंबर, इट इज एन इंटीजर एंड देयरफॉर वी से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. सी, हमारे बुक में एनसीईआरटी और एमटीजी में हमें बस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही बताया है. मैं चारों डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए ध्यान से सुनो, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछो. वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग टुगेदर, नॉट जस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, डिविजन ऑल्सो. तो ये हुआ पहला कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सेकंड इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद एवरी टाइम वी डोंट गेट आंसर एज होल नंबर. दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन होल नंबर नहीं मिलता है, कभी कभी नॉन होल नंबर भी रहता है. तो हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिया 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 5 और 3 दोनों होल नंबर है और 2 इज ऑल्सो होल नंबर. सो इन दिस केस क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड. बट क्लोजर प्रॉपर्टी जनरली कब हम बोलते हैं फॉलो हुआ है, सो दैट वी टेल दैट अगर सारे केस में होल नंबर ही आंसर आता है तभी हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. बट सारे सब्ट्रैक्शन में आंसर होल नंबर नहीं आता है, कुछ सब्ट्रैक्शन में आता है और कुछ सब्ट्रैक्शन में नहीं आता है. अगर सारे सब्ट्रैक्शन में आंसर होल नंबर ही आ जाता राइट हैंड साइड में तो हम बोल सकते थे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. लेकिन अभी हमने बोला आर नॉट क्लोज्ड. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझा क्या सर? सर आई डोंट अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन. देखो एडिशन में ये दोनों होल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी ये होल नंबर है. अगर ऐसे दोनों साइड इनपुट और आउटपुट का टाइप सेम है, होल नंबर, सो वी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड. सो दिस वाज फॉर एडिशन. बट इन द सब्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस इज इफ आई टेक 3 - 5 आई गेट आंसर एज -2. 3 and 5 बोथ आर होल नंबर्स but this -2 is not a whole number and hence we say that closure property is not followed. abhi samajh mein aaya kya? yes sir. okay, वैसे ही अगर आपने multiplication में देखा तो दो whole number का multiplication हमेशा whole number ही आता है. 3 5 = 15, 0 × 5 = 0. इनपुट ये दोनों होल नंबर है और आउटपुट भी होल नंबर ही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन 3 / 5, इसका आंसर 3/5 आता है विच इज नॉट अ होल नंबर. ओके, तो ऑफ कोर्स 0/5 का आंसर 0 आया, होल नंबर आया है, लेकिन ऐसा सारे केसेस में नहीं आता है.
तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हर बार आउटपुट होल नंबर नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज नॉन होल नंबर, एंड हेंस वी से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. सो अगर हमने मल्टीप्लीकेशन लिया तो दो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर ही आता है. ये दोनों किस टाइप के हैं? होल नंबर्स, और आंसर भी होल नंबर. तो इसीलिए दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड. क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ऐसा है कि मशीन के अंदर जिनको डाला मशीन के बाहर भी वही निकलना चाहिए. जैसे मैंने अगर गन्ना डाला तो गन्ने का जूस ही बाहर आएगा मशीन के अंदर. तो वैसे ये दोनों होल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मशीन के बाहर होल नंबर ही आया है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गया. लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 / 2, तो वो आएगा 2.5 आएगा आंसर. अभी ये दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये दोनों होल नंबर है लेकिन मशीन के बाहर होल नंबर नहीं आया, दूसरा ही कुछ आया, नॉन होल नंबर डेसिमल आया. तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता. सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही इनपुट होल नंबर है और आउटपुट भी होल नंबर है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं मिलता. इट इज नॉट फॉलोड. दैट मीन्स वी कंक्लूड, यहाँ रिमार्क का कॉलम देखो कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ एवरीवन कैन राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी नंबर वन. पहले हेडिंग दे दो सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑफ होल नंबर्स. सबसे पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है इनपुट मशीन के अंदर वाला इज इक्वल टू मशीन के बाहर वाला आउटपुट. मशीन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी लिखो. हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी लेंगे और वो चारों के लिए डिस्कस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसा एक साथ लेंगे एक एक प्रॉपर्टी. वो याद रहता है, आसान है वो वैसे अगर जाएंगे तो. ओके, अभी आपको अगर टेबल अच्छा लगा तो टेबल लिखो, या फिर डायरेक्टली स्लाइड शो वाला ठीक लगा तो यही लिखो, एज यू विश. व्हाट डू यू वांट टू राइट डाउन? स्लाइड लिखना है, ठीक है. यस सर, स्लाइड लिखो फिर. फर्स्ट नोविंग और नंबर्स के एमटीसी के क्वेश्चन कल कंप्लीट करो.
नहीं कंप्लीट करेंगे. नंबर टू, सेकंड रिंग हैज कम, सेकंड प्रॉपर्टी. जस्ट वेट, इन वन मिनट, वन और टू मिनट्स आई विल कंप्लीट. वेट सर, वेट करेंगे, डोंट वरी. अगला है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू. कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, सो टू कम्यूट इस वर्ड का मीनिंग है टू मूव, टू मूव हियर एंड देयर. सर, तो यहाँ पे अगर हमने 2+3 लिया और इस 3 और 2 को मूव करके 3+2 लिया तो दोनों का आंसर सेम ही आता है 5. सर उसका फॉर्मूला a+b = b+a. सो देयरफॉर वी गेट लाइक दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स. इन केस ऑफ एडिशन, अगर हमने एडिशन में सीक्वेंस चेंज कर दिया 3+5 और 5+3, दोनों का आंसर 8 आता है, सेम आता है. सो वी से दैट होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. x+y = y+x. आपके स्कूल में आपको ऐसा पढ़ाते हैं a+b = b+a. ठीक है. सो हियर कम्यूट मीन्स टू मूव, उनका सीक्वेंस चेंज करो एडिशन का, a+b, b+a. लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है. 3-5 का आंसर -2 और 5-3 का आंसर +2 आता है. सो बोथ आर डिफरेंट आंसर्स एंड देयरफॉर वी से होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. इन मल्टीप्लीकेशन वी गेट द सेम आंसर आफ्टर चेंजिंग सीक्वेंस. सो देयरफॉर वी से होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव. मतलब यहाँ x into y = y into x. सीक्वेंस चेंज करने के बाद आंसर सेम रहता है. एंड डिविजन आंसर इज नॉट सेम, आंसर इज डिफरेंट. जैसे मैंने अगर एक एग्जाम्पल दिया 3/5 आंसर विल बी 3/5 और 5/3 आंसर विल बी 5/3. बोथ आर डिफरेंट. सो वी से होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिविजन. तो इसीलिए ये फिर से हम याद रख सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव आते हैं और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है. कम्यूटेटिव होना मतलब सीक्वेंस चेंज करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए. ओके, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आंसर सेम है. सर हमें टेबल लिखना है, इस टेबल का फोटो मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप कंप्लीट कर लेना. थैंक यू वेरी मच. वी विल स्टॉप हियर टुडे. Bye. See you. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir.